एक तो यहाँ जनता से बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है और जोगेश्वरी में परिवर्तन होना अटल है, क्योंकि जिस तरह से सदियों से सालों से लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन लोगों ने आज तक इतना परेशानी में अपना जीवन बिताया है, वो अभी और परेशानी उनके लिए नहीं चाहिए। और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है, उसी तरह का काम हम लोग मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के लोकल जो अपने सब मतदाता है, उन सबका हम लोगों को आशीर्वाद है, सबका सहयोग है। ये पदयात्रा कहाँ से शुरू की गई और कहाँ पे खत्म की जाएगी? ये पदयात्रा जो है वो जोगेश्वरी पूर्व से शुरू हुई है रेलवे स्टेशन से, और अभी ये धीरे धीरे चलते गांधीनगर होकर फिर प्रेमनगर से होते हुए मेघवाड़ी श्यामनगर करते हुए श्यामनगर के तालाब के आगे जाके फिर दुर्गानगर में ख़त्म होगी। जो दुर्गानगर एक बड़ी बस्ती है, उधर वो ख़त्म होने वाली है। तो जोगेश्वरी की जनता से आपकी क्या अपील है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जोगेश्वरी की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जोगेश्वरी में जो इतने साल से आप लोग बुरे हालात में रह रहे हैं, उससे बाहर निकल कर आओ और अभी झाड़ू को वोट दे दो, क्योंकि झाड़ू ही साफ सफाई करेगी और झाड़ू ही नया परिवर्तन लाएगी। तो नए परिवर्तन के लिए और विकास के लिए जो दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने काम किया है, वही काम हम लोग यहाँ करना चाहते हैं। तो उसके लिए सब मतदाता से मेरी विनती है, उनसे नम्र विनती है कि आम आदमी पार्टी के झाड़ू को ही वोट